हेलो गाइस, आप सब सैमसंग गैलेक्सी की सीरीज को जानते ही होंगे और शायद हो सकता है आप ये वीडियो उससे ही देख रहे हो। तो अगर आप एक नए सैमसंग के फोन का वेट कर रहे हैं तो ये फोन आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस के बारे में। गाइस, इस फोन की स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी होने वाली है, बट स्पेसिफिकेशंस की वजह से ये फोन काफी एक्सपेंसिव भी होने वाला है। तो चलिए इस फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास मिल जाता है और दोनों ग्लास के साथ आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, जो कि आपको स्क्रीन एंड बैक पैनल के डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। और साथ ही इस फोन में आपको मिलने वाली है IP68 की वाटरप्रूफिंग, और ये फोन सर्वाइव कर पाएगा हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे तक अप टू 1.5 मीटर ऑफ वाटर डेप्थ। साथ ही गाइस, नोट सीरीज की एक खास बात होती है, उसमें आपको स्टाइलिश मिलता है। तो इस फोन में आपको स्टाइलिश मिलने वाला है जो कि एज ए ब्लूटूथ इससे कनेक्ट हो जाता है। और गाइस, इसके स्टाइलिश के अंदर भी आपको सेंसर मिलने वाले हैं, जो कि होंगे एक्सीलोमीटर एंड जायरो सेंसर। तो बात आती है इसकी डिस्प्ले की। साथ गाइस, आप जानते ही होंगे सैमसंग नोट सीरीज या फिर सैमसंग की एस सीरीज में आपको कितनी अच्छी डिस्प्ले मिलती है। तो इस फोन में आपको एक काफी अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि होगी 6.9 इंचेस की, और इसकी डिस्प्ले का टाइप होगा डायनेमिक एमोलेड 2x कैपेसिटिव टच स्क्रीन। साथ ही आपको मिल जाती है इस फोन में 16 मिलियन कलर्स की डेप्थ, और इस स्क्रीन का रिजोल्यूशन होगा 1440x3200 पिक्सल्स का, और पिक्सल पर इसकी डेंसिटी आपको मिलने वाली है 509 ppi की। और गाइस, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और यहाँ पर आती है इस फोन की स्क्रीन की काफी अच्छी बात, इस फोन में आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, जो कि अब तक स्मार्टफोन में मिलने वाला सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा रिफ्रेश रेट माना जाता है। और गाइस, इसमें आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप सेटिंग में जाके इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो डिस्प्ले के बाद बात आती है इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मिलने वाला है सैमसंग का एक्सिनोस 990 वाला प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर 5G भी सपोर्ट करता है, यानी कि आपको 5G कनेक्टिविटी इस फोन में मिल जाएगी। और साथ ही इस फोन में आपको मिल जाता है माली G77 का GPU, यानी कि इस फोन में आप कितनी भी हैवी या कितना भी हैवी गेम चलाओगे तो इसमें आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा। और साथ ही इसकी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ काफी स्मूथनेस भी आपको इसमें मिल जाती है। और साथ ही इस फोन में आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 10, और इसके साथ आपको यूजर इंटरफेस मिल जाता है One UI 2.1 का। बात आती है इसकी मेमोरी की। तो इस फोन में आपको दो वेरियंट मिलेगा मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो कि होंगे 12GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 16GB RAM प्लस 512GB इंटरनल स्टोरेज। गाइस, इस फोन में आपको RAM भी काफी अच्छी मिल जाती है, साथ ही में आपको इसमें यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज 3.1 का फीचर भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इस फोन में आपको मिलने वाले है क्वाड कैमरा सेटअप, यानी कि चार कैमरे आपको मिल जाते हैं, जो कि होंगे 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 0.3 मेगापिक्सल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, जो कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में हेल्प करता है। गाइस, बेसिकली इसका काम होता है 3D मैपिंग में, तो इसमें मेगापिक्सल का कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो 0.3 मेगापिक्सल काफी होता है। और ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 8K वीडियो एट 24 फ्रेम पर सेकंड। साथ ही इसके कैमरे में आपको ऑटो HDR, LED फ्लैश एंड पैनोरामा जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। तो रही बात इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको सिंगल फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो कि आपको ऊपर की साइड बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। और ये कैमरा होगा 40 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और इसमें आपको 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाती है एट 30 एंड 60 फ्रेम पर सेकंड। और अगर गाइस आप सैमसंग यूजर है तो आप बिक्सबी के बारे में जरूर जानते होंगे। ये सैमसंग के फोन में मिलने वाला एक आर्टिफिशियल पर्सनल असिस्टेंट है, और जाहिर सी बात है इस फोन में आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 4500 mAh की नॉन रिन्यूएबल बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है 45 वोल्ट की। साथ ही में रिवर्स चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाती है, जो कि होगी 9 वोल्ट की, एंड वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिलने वाली है 15 वोल्ट की। तो बस गाइस, ये थी इस फोन की स्पेसिफिकेशंस। तो रही बात इसके प्राइस एंड रिलीज की। सो गाइस, ये फोन इंडिया में अगस्त में अनाउंस एंड रिलीज होगा, और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 4th अगस्त 2020। और साथ ही गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका प्राइस भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो इसका जो 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है, उसका प्राइस होगा 1,12,000 इंडियन रुपीज। तो गाइस, इसके प्राइस के साथ साथ आपको इसमें फीचर्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, बिकॉज गाइस आप भी जानते होंगे अब फोन की स्पेसिफिकेशंस एंड उसका प्राइस बिल्कुल पैरेलल चलता है, यानी कि जितने अच्छे फीचर्स उतना ही ज्यादा उस फोन का प्राइस। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।